खबर सीतापुर से है। दलित युवती का संदिग्ध अवस्था में पेड़ से लटका मिला शव। परिजनों ने युवती के साथ गैंगरेप के बाद हत्या कर शव को लटकाए जाने का आरोप लगाया। घटना की जानकारी पाकर महंत संतोष दास खाकी और बजरंग दल मौके पर पहुंच गए। विशेष समुदाय के लोगों पर है आरोप। जानकारी पाकर ही मौके पर एडिशनल एसपी सहित भारी फोर्स मौके पर पहुंच गया। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच की बात कह रही है। वहीं दूसरी तरफ परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले की FIR दर्ज न होने के संबंध में गुस्साए परिजनों ने रोड को जाम कर दिया। एडिशनल एसपी के समझाने बुझाने पर किसी तरह ग्रामीण शांत हुए। ये पूरी वारदात कुतुब नगर पुलिस चौकी इलाके की है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट संवाददाता सुनील आनंद के साथ। नमस्कार, मैं हूं सुनील आनंद और आप देख रहे हैं शार्प मीडिया न्यूज एजेंसी। सीतापुर से इस समय की बड़ी खबर आपके सामने है। आपको बताना चाहूंगा, कुछ समय हड़कंप मच गया जब दलित युवती का शव एक संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका मिला। वहीं परिजनों ने गैंग रेप का आरोप लगाते हुए रोड को जाम कर दिया। यह आरोप एक विशेष समुदाय के लोगों पर परिजनों ने लगाया है। जानकारी पाकर एडिशनल एसपी सहित कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई और जो है गहमा गहमी के बीच में परिजनों को पुलिस ने किसी तरीके से शांत कराया। हालांकि परिजनों ने पुलिस पर भी लापरवाही के आरोप लगाए हैं। घटना के बाद में रोड जाम के बाद में जो है कई संगठन के लोग भी मौके पर पहुंच गए। हालांकि बजरंग दल भी मौके पर पहुंच गया। महान संतोष दास खाकी ने भी एक बयान जारी किया गया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो है युक्त के साथ गैंगरेप की घटना हुई है और उसके जो आरोपी हैं वो अभी तक फरार हैं। पुलिस ने पूरे मामले पर जांच की बात कह रही है। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी की भी बात कह रही है। लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी तब होगा जब मेडिकल रिपोर्ट सामने आएगी। कैमरा पर्सन अनुज मौर्य के साथ सुनील आनंद, शार्प इंडिया, सीतापुर। पेड़ से लटकता हुआ मिला है, गांव में आक्रोश है, आपको भी मौके पर आना पड़ा, क्या प्रकरण है? प्रकरण नाबालिग दलित का रेप किया गया है और एक षड्यंत्र के तहत रेप किया गया है। जैसी कि यहां मौके की जांच करने पर, समीक्षा करने पर पता चलता है कि कुछ नेताओं के षड्यंत्र ने एक सामान्य सी बालिका को शिकार बना डाला। चार चार रेपिस्टों ने उसके साथ बलात्कार किया, करबला में ले जा करके, और उसके बाद उसे मार करके लटका दिया। इसके बाद मतलब यह सब लोगों ने जाना और सब इकट्ठे हुए। प्रश्न एक यह है कि केवल वह जो रेपिस्ट हैं वही अपराधी हैं क्या? इसके पीछे उन्हें प्रोत्साहन देने वाले, इस मामले को रफा दफा करने वाले, भले वह कोई हो, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो सामान्य से नागरिक हो, वह सब बराबर के दोषी हैं। और यह सब इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि उन सबको, उस बच्चे को न्याय मिलना चाहिए और सबको दंडित किया जाना चाहिए, सबको दंड मिलना चाहिए ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो। ऐसी कड़ियाँ धीरे धीरे चली आ रही हैं हमारे समाज में, कहीं यहाँ ये हो गया, यहाँ रेप हो गया, कहीं वहाँ रेप हो गया। इस तरीके से जो कड़ियाँ हैं, ये जो रेप का सिलसिला है, ये बंद हो और उन लोगों को पहचाना जाए, जाना जाए, उन्हें चिन्हित किया जाए जो इस तरीके का काम कर रहे हैं। अब तक इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका क्या है? देखो, जहाँ तक मैं आया हूँ, मेरे जानने से एक बात मुझे पता चली है कि मौके पर जो स्थानीय पुलिस है उसकी भूमिका मामले को रफा दफा करने की जैसी रही है, जो कि बड़ा ही गलत है। मूल बात यह है कि हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरीके से जो है पुलिस प्रशासन पर विश्वास किया, उनके हाथ खुले छोड़ दिए, और जिसका बड़ा ही सकारात्मक जो है फल भी मिला। लेकिन यहाँ पर ऐसी स्थिति है कि वो मासूम की मासूमियत को नकारा गया और सीधे सीधे रफा दफा करने की जो बात कही गई, इससे हम संतुष्ट नहीं हैं, क्षुब्ध हैं। क्या आपके नेतृत्व में, आपकी अगुवाई में बड़े प्रदर्शन की तैयारी है? देखो, बड़ा प्रदर्शन स्वाभाविक तरीके से हो जाता है। पीड़ित अपनी बात कहता है और फिर संवेदनशीलता के चलते कुछ ऐसे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो प्रदर्शन हो जाता है। प्रदर्शन पीड़ा का एक दूसरा रूप है, प्रदर्शन की अभिव्यक्ति है। इस प्रकरण में अभी तक पीड़ित परिवार की या आपकी क्या मांग है? पीड़ित परिवार की मांग है कि उनकी बच्ची तो चली गई, लेकिन उन सब पर कार्यवाही हो। Thank you.